दुर्गा पूजा नज़दीक है और अब दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम जहाँ खड़े हैं वो गौड़ी दुर्गा मंदिर है और अब गौड़ी दुर्गा मंदिर का जो प्रारूप है वो बदलने वाला है। यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर के नक्शे कदम पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और वो स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही होगी कि कुछ दिनों के बाद दुर्गा मंदिर उस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ पर इंजीनियर पहुँचे हुए हैं और क्या यहाँ का स्टेटस है, किस प्रकार से क्या होना है काम, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? मेरा अरसाय सैनी है, राजस्थान दौसा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से हैं। दौसा डिस्ट्रिक्ट मेरा ज़िला है, सिकंदरा मेरा गांव है, माँ भगवती स्टोन आर्टिकल्स मेरी फर्म है, वहाँ से मैं आया हूँ। इनका क्या क्या काम होना है? यहाँ पे मंदिर का शिखर बनना है ऊपर का, इसमें 8 छतरियाँ बननी है और आगे का जो मेन द्वार है उसका सौंदर्यकरण होना है। जो फोटो में दिख रहा है अक्षर मंदिर अक्षरधाम टाइप का, हाँ वो सब तरीका का बनना है। ठीक है, तो क्या एस्टिमेट लग रहा है, कितना खर्च लग रहा है, आपका कितना टेंडर है, क्या है? अभी इसमें तो टेंडर करीबन मानो कि 30-35 लाख रुपए के आसपास जाएगा। खर्च जाएगा। अब इसमें से 1,50,000 ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। एग्जैक्ट नाप तो जब अपन बनाएंगे तभी होगा। ये तो कहाँ से पत्थर आना है? ये राजस्थान से आना है पत्थर, दौसा डिस्ट्रिक्ट सिकंदरा हमारी फार्म है। ये भगवती माँ भगवती स्टोन आर्टिकल। स्टोन आप सप्लायर करते हैं या फिर पूरा कंस्ट्रक्शन? पूरा कंस्ट्रक्शन का काम लेता हूँ मैं, खुद आर्टिस्ट हूँ जो अपने पत्थर की डिजाइन करता हूँ और पूरी ड्राइंगे करता हूँ मैं। तो आप अपने हाथ से काम करेंगे, आपका स्टाफ काम? मेरा स्टाफ का काम करेगा, ड्राइंग मैं करूँगा, मेरी ड्राइंग पूरी मैं करूँगा। उसके बाद मंदिर बनाया आपने अभी तक? अभी तक मेरा मंदिर का काम है, मैंने USA भी काम किया है, पेंसिल्वेनिया PA 51 मैनोर रोड स्कूल 11 गया जी, विदेश भी गया हूँ। और अपने कोरका में जो MLA साहब का है कोठी, उसमें भी विधायक जी का, उसका जो महल है पुराना गढ़, उसको भी मैंने काम किया है। अच्छा। और मैं गुजरात में भी काम किया है, शनि मंदिर जो महाराष्ट्र में है, शनि सिंगापुर का, वो भी मैंने काम किया है। अच्छा। जी, तो बहुत जगह काम चलता है मेरा। धन्यवाद। तो यहाँ पे कमेटी के लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या तैयारी चल रही है दुर्गा पूजा की और क्या बात है यहाँ पर। भैया क्या तैयारी है और किस प्रकार का ये सोच कहाँ से आया कि अक्षरधाम मंदिर टाइप का बनवाना है और ये सबसे पहले कहाँ दिखा? चूँकि ये मंदिर जो है, मंदिर में एक कमी देखा गया कि मंदिर तो बहुत सुंदर जगह पर है लेकिन गुंबज का कमी इसमें दिखा, खला कमी हमें। हाँ, ये हम लोगों को खला और सभी सदस्य मिलकर के हम लोग बातचीत किए और पावर प्लांट से कुछ सहयोग का आशा किए हैं और उनके द्वारा ये निर्माण की बात कही गई है। यहाँ पर अध्यक्ष हैं मंदिर के, अध्यक्ष जी हैं। क्या क्या होना है और क्या लगता है कि कब तक ये कंप्लीट आप कर लेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलेगा? होगा दो साल तीन साल लगेगा, धीरे धीरे होगा। दो साल तीन साल चार साल पाँच साल हाँ धीरे धीरे होगा। ये बहुत बड़ा मतलब भव्य तरीके से दिखेगा। सबसे पहले वो फोटो कहाँ देखे आपको लगा कि यहाँ बनवाना है? नेट में हम लोग देखें, ढूंढ रहे थे कि कुछ अलग करना है, तस्वीर बदलनी, हाँ। अभी टेंट वेंट का खर्चा बचा लेना बस। अक्षरधाम तो अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर यहाँ मंदिर बनना है और इस मंदिर को अभी आप फिलहाल देख लीजिए, लेकिन दो साल तीन साल में इसकी तस्वीर बदलने वाली है और स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही होंगी। यहाँ पर कुछ लोग हम बात करेंगे कि अक्षरधाम मंदिर यहाँ बनना है, ये सबसे पहले दिमाग में किसके आया? हम तो पूछ रहे हैं, कोई बता ही नहीं रहा है। कुछ बताया, हम लोग नहीं बता सके। नहीं बता, नाम बताइए आपके सब एड्रेस होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यही हम खबर आपको दिखाने के लिए लाए थे और यहाँ पर कमेटी के लोगों ने हमें बुलाया था कि गौड़ी मंदिर का तस्वीर बदलने वाला है और दुर्गा पूजा आने वाला है। दुर्गा पूजा सेफली आप लोगों को दुर्गा पूजा व्यतीत करना है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जलाटम। हम आगे भी इसी तरह की खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे।